उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। देश से ही नहीं विदेश से भी तीर्थयात्री देवभूमि पहुंच रहे हैं, लेकिन जाम की समस्या ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप भट्ट ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यात्रा मार्गों में तीर्थयात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं। इसके साथ ही सड़क का भी हाल बुरा है और पर्यटन मंत्री विदेश दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस समय कांग्रेस की सरकार थी तो चारधाम यात्रा की सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद थी, लेकिन अब प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, इसके बावजूद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया। देखिए, सरकार के जो दावे हैं ये पूरी तरीके से फेल हैं। आप धरातल पे उतर के देखिए कि इनके तमाम जो मंत्री हैं वो कोई विदेश दौरों पे व्यस्त हैं, अधिकारी जो है जनता की सुनने को तैयार नहीं है, अधिकारी जो है मेले और थोलों में नाचने में व्यस्त हैं। और हकीकत ये है कि आप देखेंगे तीर्थ जो चारधाम यात्रा मार्ग हैं वहाँ पर कहीं भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, पेयजल लाइनें कई जगह क्षतिग्रस्त हो रखी हैं, और कहीं पर शौचालय बने भी हैं तो वहाँ पर पेयजल की पानी की सुविधा नहीं है, जिससे जो है वहाँ पे गंदगी हो रखी है और लोग जो है वहाँ पे उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक प्रश्न है विपक्ष का, विपक्ष को जो यात्रा सुगम हो रही है, सुरक्षित हो रही है, वो रास नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी यात्रा के संबंध में जो नकारात्मक बयान दे रही है उससे वो यात्रा को प्रभावित करना चाहती है। हमारी सरकार इस तीर्थाटन को, इस पर्यटन को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। कहीं भी यात्रियों को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं हो रही है।